मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने दो साधुओं की जमकर पिटाई कर दी। लोग साधुओं को पीटते हुए थाने ले गए। मारपीट का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 3 नामजद सहित 15 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है। वहीं संतों के साथ की गई मारपीट की घटना के बाद साधु संतों में गुस्सा देखा जा रहा है। दरअसल कार सवार साधु रतलाम से इंदौर जाते समय रास्ता भटक गए थे। वह रास्ता पूछने के लिए रुके और मौके पर मौजूद बच्चों से रास्ता पूछने लगे। इस दौरान किसी ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी। इसके बाद लोगों ने साधुओं की कार को घेर लिया और साधुओं के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। ये बच्चे चोर को पकड़ा है, ये दिखने पे साधु महाराज हैं, ये दिखने पे साधु महाराज हैं, ये साधु महाराज है दिखने के, देखो ये बच्चा चोर। घटना के बाद से ही संत समाज में आक्रोश है। इसी के चलते उज्जैन महाकाल मंदिर के विष्णु मंदिर पुजारी रोहित गुरु ने मीडिया को संबोधित कर बताया कि वर्ग विशेष द्वारा संतों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहीं मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में धार जिला स्थित देपालपुर ग्राम प्रेमनगर में कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने साधु संतों के साथ मारपीट और असामाजिक तत्व के ऐसे कृत्य किए जिससे धर्म शर्मनाक हो गया। पुलिस प्रशासक सब लोग से मेरा ये निवेदन है कि ऐसे दरिंदों को असामाजिक तत्व को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और जो धर्म को हानि पहुंचा रहे उन्हें सख्त सख्त कार्रवाई की जाए उस पर, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र प्रांत में भी 2 संतों को मारकर फेंक दिया गया, वो अभी उसका निराकरण हुआ नहीं और फिर संतों के साथ। तो ये असामाजिक तत्व के लोग सिर्फ धर्म को शर्मनाक करे जा रहे और इस देश में जहाँ रहते हैं उस धर्म को हानि पहुँचाने के लिए ऐसे कृत्य किए जा रहे। तो मेरा श्री प्रशासक महोदय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि जो ये कार्य हो रहे ऐसे दरिंदों को सख्त सख्त सजा दी जाए, क्योंकि उन साधु संत का कारण जगत कल्याण के लिए होता है। मनुष्य को साधु संत बनना आसान नहीं होता है, अपना पिंड दान करके आदमी सन्यासी साधु और संत बनता है। माता पिता परिवार छोड़ता जगत कल्याण के लिए, वहाँ की ये घटना बड़ी शर्मनाक है। तो मैं प्रशासक और जिस जिले के कलेक्टर साहब जो भी महोदय हैं उनसे मेरा निवेदन है कि उन जो लोगों ने इस साधु के साथ ही कृत्य किया है उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि साधु संतों के साथ हुई मारपीट पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, धार।